नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे कानून के रखवालों के बारे में। जैसा कि आप सबने देखा, यहां पे वकील लोग किस तरीके से हाय हाय कर रहे हैं पुलिस कर्मियों के लिए। छोटी सी घटना थी दोस्तों, छोटी सी घटना, अगर थोड़ी सी सावधानी कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक वकील पार्क कर रहा था अपनी बाइक को और एक पुलिस कर्मी ने सिर्फ मना किया, ये बोला कि यहां पे बाइक पार्क नहीं करना है। शायद पुलिस वाले की छोटी सी बात को वकील मान सकता था, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम जो आज के टाइम में सबके अंदर है। अब देखिए, इस वीडियो में आपको दिखेगा किस तरीके से पुलिस वाले गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद वकील लोगों ने भी बहुत ढेर सारी गाड़ियों को तोड़ा। किसका नुकसान हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार? गवर्नमेंट की गाड़ियां टूट रही हैं, आप समझते हैं? हम लोग क्या सोचते थे, हम लोग सोचते थे कि ये रखवाले हमारी रक्षा करेंगे। पुलिस वाले हो या वकील हो, ये हमारी रखवाले कैसे रखवाली कर सकते हैं? ये तो खुद की रखवाली करने ये बड़ी बात है। किस तरीके से लोग यहां पे, देखिए आप सीसीटीवी कैमरे में देखिए, इस वीडियो में आपको समझ आएगा क्या रियल मैटर है। देखा आपने यहाँ पे किस तरीके से लॉकअप में पुलिस वालों ने खुद को सुरक्षा देने की कोशिश की। उसमें वकील लोगों में से एक वकील एंट्री किया, उसको पुलिस वालों ने काफी हद तक चोट पहुंचाया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दंडनीय था। 30,000 कोर्ट में इस तरीके की घटना अगर होगी तो लोग कोर्ट में न्याय कैसे लेने जाएंगे? यहां तो न्याय का दूसरा रिजल्ट ही मिल रहा है। अब देखिए दूसरे वीडियो में आपको देखेगा किस तरीके से यहाँ पे पुलिस वाले भाग भाग के एक दूसरे की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। पुलिस वालों की जबरदस्त गुंडा कर दी लक्ष्मण भाई, दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे पुलिस वाले भाग रहे हैं, यहाँ पे गाली गलौच हो रहे हैं आपस में। उसके बाद उन लोगों ने कई गाड़ियां भी तोड़ी, इसके बाद पुलिस वालों ने भी गाड़ियां तोड़ी। और अब देखिए वकील लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ एक सीनियर वकील का स्टेटमेंट, देखिए इनकी क्या मांगे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए इस तरीके का इन्होंने एक लेटर दिया है, बार काउंसिल की तरफ से आया है। और उसके बाद आप देखिए इन वकीलों का स्टेटमेंट। यहाँ देख लिया, उन्होंने PCR काउंट कर ली, कुछ लोकल पुलिस आ गई, SHO आ गए, कुछ सिपाही आ गए। SHO ने लोकअप खुलवाने की कोशिश की कि वकील साहब को बाहर निकालो। 20 मिनट तक SHO साहब ने कोशिश की, उन्होंने लोकअप वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
तो मुझे भी कॉल आ गया SHO की, मैं भी स्पॉट पे आ गया, हमने भी रिक्वेस्ट की लेकिन कोई भी ऑफिसर बात करने नहीं आया। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट जज को फ़ोन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ जज ही जाए, उन्होंने भी 20 मिनट तक कोशिश की लोकल वालों से बात करने, उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया, हमने आपसे कोई बात नहीं की, कोई बात करने नहीं आया। जैसे DJ साहब यहाँ से निकले, पुलिस वालों ने अंदर से कहा यहाँ से हट जाओ नहीं तो हम गोली चला देंगे, तो वकील वहाँ खड़े हुए थे वेट कर रहे थे कि हमारे साथी को बाहर निकाले, तो उन्होंने 4 राउंड फायर किए तो 2 वकीलों को लगी है, जिसमें एक वर्मा है, वो लोकअप से काफ़ी जहाँ पे सामने गाड़ी खड़ी है मेरे ख्याल 100 मीटर दूर रहे होंगे, 100 फीट दूर होंगे, उसको गोली लगी और उसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे पुलिस की प्लानिंग हुई और हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठ के धरने पे बैठे हुए थे, तो 3 गेट से पुलिस आई है, तकरीबन हर गेट से 2000 सिपाही थे और उन्होंने जितने भी वकील हैं सबको मारा, लेडीज़ हो जेंट्स हो। उसके बाद पार्किंग में सारी गाड़ियाँ तोड़ी और एक एक चैम्बर घुस के, हर चैम्बर के शीशे तोड़ के चैम्बर में घुस के भी मारा है। आप जाके देखोगे ऐसा ब्रूटल अटैक अगर वकील लीगल फैटर्निटी के साथ होगा तो हिंदुस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। एक पहले किरण बेदी कांड हुआ था, ये उससे भी बड़ा भयंकर कांड है, ये निहत्थे वकीलों के ऊपर अत्याचार और चैम्बर में घुस के मारा। हमारी कमेटी ने डिसाइड किया दिल्ली के अंदर कंप्लीट स्ट्राइक, जब तक स्ट्राइक रहेगी, जब तक जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिस व्यक्तियों ने वकील को मारा है और जिसके आदेश से लाठी चार्ज हुआ है। दोस्तों देखिए इन वकीलों की मांग क्या है, मांग ये है कि जिसने गोली चलाई उसको सजा हो। दोस्तों जब भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रही थी, पुलिस वालों के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, गोली चलाना। आपको क्या लगता है किसकी गलती रही होगी, वकीलों की या पुलिसों की? वैसे तो गलत तो दोनों ने किया है, लेकिन इस तरीके से कानून को अगर हाथ में ये लोग लेंगे, इसका मतलब तो ये है कि इनको कानून का डर ही नहीं है। वहीं पे ढेर सारे अपराधी भी आए थे, मुझे लगता है उन्हीं अपराधों की संज्ञा में ये पुलिस वाले और ये वकील भी आ गए। शायद सबको जज को सजा देनी चाहिए। लॉकअप के अंदर घुस के पुलिस वालों को वकील मार रहे हैं, ये तो तानाशाही होगी ना, और फिर उसके बाद पुलिस वाले गोली फायरिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरीके की तानाशाही है। इसका मतलब दोनों गलत हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ पुलिस और वकीलों के बीच में मुठभेड़। इस तरीके की तानाशाही इनको लगता है कि हमारे आगे कोई है ही नहीं, ये बहुत ही शोचनीय है। और आप भी सोचिए, आपके घर में भी जो पुलिस वाले होंगे या वकील होंगे उनको भी शेयर करिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि गलत हुआ है और आगे से उनके भी लाइफ में इस तरीके की घटनाएं न हो, जिससे इस तरीके से गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको लॉस न हो, क्योंकि इतनी ढेर सारी गाड़ियां, इतनी ढेर सारी सरकारी परिवहन, ये सबका लॉस कौन देखेगा? शायद पार्किंग एक छोटी सी, दोस्तों एक छोटी सी घटना है ये, हम लोग भी पार्क करते हैं, पुलिस वाले मना करते हैं तो हमसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं या फिर वो दूसरे जगह हम पार्क कर देते हैं, हम वहां पे तानाशाही नहीं दिखाते। सोचो अगर इसी तरीके से अपराध बढ़ता रहा और अपराध को कंट्रोल करने वाले ही अगर ये हाल करेंगे तो आम जनता क्या करने लगेगी? क्या आप इनको आइडियल बनाना चाहते हैं? हम लोग क्या सोचते थे कि कभी हम वकील और डॉक्टर और पुलिस वाले बनेंगे? वकील इस तरीके से धरना दे रहे हैं, पुलिस वाले इस तरीके से अपराध कर रहे हैं, और डॉक्टर इस तरीके से धरना दे रहे हैं कि कोई छोटी सी भी इंजरी हो गई, उनको कुछ बोल दिया गया तो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों मैं मानता हूं कि छोटे से अपराध के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, संगठन है इनके अंदर, बहुत ही अच्छी बात है, आप संगठन रखो, लेकिन संगठन रखते टाइम ये चीज का ध्यान रखो कि गलत कौन सी चीज है और सही कौन सी चीज है। मतलब सही पे ही आप संगठन का साथ दो, गलत पे बिल्कुल नहीं। अगर आप गलत पे साथ दे रहे हो इसका मतलब आप भी गलत माने जाओगे और आपको भी गलत बोला जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हम तो संगठन का साथ दे रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, आपके पास खुद की आंखें हैं भाई साहब, आपके पास खुद की आंखें हैं, अपनी आंखों से देखो, खुद से जस्टिफाई करो कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से निर्णय करो और उसके हिसाब से संगठन का साथ दो। दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा अपने कम से कम 10 मित्रों के साथ, जिससे उनको पता चले कि हम लोग इस तरीके की जो भी घटनाएं होती, जहां पे भी सच होता, जहां पे भी समाज को जरूरत होती है, वहां पे हम लोग अपनी वीडियो लेके आते हैं।
आगे भी इस तरीके के मुद्दों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।